आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? अच्छा, जब मैं लफ्ज़ कहता हूँ ना एनर्जेटिक हैं, तो इस एनर्जेटिक में सिर्फ आपका हाल चाल मैं नहीं पूछ रहा होता, या आपके इर्द गिर्द जो कमरे में कोई लाइट है, कोई गैस का हीटर है, कोई पानी की मोटर है, इन सब का हाल चाल पूछ रहा होता। इन बेचारों के पास जबान नहीं होती, लेकिन जब आप घर से निकल के सुबह सुबह जा रहे होते ना, या कमरे से निकल के जा रहे होते, तो ये पुकार पुकार कर कह रहे होते हैं, बिलाल भाई मुझे ऑफ कर दें। पानी की मोटर पुकार पुकार के कह रही होती है, सिदरा बाजी मुझे ऑफ करके जाइएगा दफ्तर। इनकी भी बात सुननी है हमने, इसलिए कि जब हम बात करते हैं एनर्जेटिक, तो ये एनर्जी जाया होने से भी बचानी है, ये भी एक एनर्जेटिक होना है। सो आज जब आप दफ्तर के लिए निकलें, या अपने कमरे से निकलें, या घर से कहीं बाजार जाने के लिए निकलें, किसी रिश्तेदार के पास जाने के लिए निकलें, तो दो तीन क्या बहुत सी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। पहली बात ये कि लाइट्स स्विच ऑफ करें। अगर गर्मियां हैं तो हम कहेंगे पंखे स्विच ऑफ करें, एसी स्विच ऑफ करें, लेकिन सर्दियां हैं तो हम कहेंगे हीटर्स को स्विच ऑफ करें। अगर बिजली से चलता हुआ हीटर है या गैस से चलता हुआ हीटर है, चूल्हा, किचन में चूल्हा, उसका ज्या नहीं होना चाहिए। पानी की मोटर तो एक क्रॉनिक मसला है इस मुल्क का, कि हम पानी की मोटर चल रही होती है और चले जा रही होती है, हमारे कान उसके इंट्यून हो जाते हैं, हमें उनकी आदत हो जाती है, इसलिए हमें पता ही नहीं लगता कि वो चल रही है, और हम घर से चले जाते हैं और बेचारी चलती रहती है, या तो जल जाती है या हमें दुआएं देती है। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इससे ना सिर्फ ये कि आपका बिल कम आएगा, एनर्जी कम इस्तेमाल होगी, तो वो एनर्जी बचेगी उन जगहों के लिए या आप ही के घर के लिए जब आपको जरूरत हो। इस हवाले से जरूर सोचिएगा, और ये बात सिर्फ सुबह दफ्तर जाने या घर से निकल कर कहीं या कमरे से निकल कर बाहर जाने के लिए नहीं है, रात को सोते हुए भी इस अमल को करना बहुत जरूरी है। पूरे घर में एक चक्कर लगाएं, कोई देखें कोई एक्स्ट्रा बल्ब जल रहा है, कहीं चूल्हा तो नहीं चल रहा सोने से पहले। और ख़ास तौर पर इसमें हिफाजत का एक पहलू भी है कि अगर आप हीटर को सोने से पहले बंद करेंगे तो बहुत से खतरात से बच जाएंगे। सर्दियों में आपको मालूम है हर साल इस मुल्क में बेशुमार अमवात इस वजह से हो जाती है कि गैस का हीटर जलता रह गया, गैस बंद हुई, हीटर बंद हुआ, गैस आई, हीटर नहीं जला, गैस चलती रही। तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो जब हम सुबह सुबह कहते हैं फिट है, एनर्जेटिक है, तो इस एनर्जेटिक जो ही आप लफ्ज़ सुने, आपको ये सारी बात जहन में आ जानी चाहिए। आज के मेन्यू क्या है? आज के मेन्यू में जनाब अच्छी खाला है, एक शहजादे और परी की कहानी लेके आई, और ये परियों की कहानी हमें बहुत पसंद है। और मैंने देखा है कि हमारा जो फेसबुक पेज है ब्रेकफास्ट एट होम, उसके इनबॉक्स में जब अच्छी खाला की कहानी के बारे में रिव्यू आता है, तो हम उस दिन बैठे काउंट कर रहे थे कि 15 साल से कम उम्र जो अफराद हैं हमारे माशरे के, यानी कि जिनको हम आम अल्फाज में बच्चे कहते हैं, उनसे ज्यादा 15 साल से ज्यादा उम्र के जो अफराद हैं जिनको हम बड़े कहते हैं, उनका रिव्यू ज्यादा था। वो परियों की और जिन्नों की और शहजादे शहजादियों की कहानियां ज्यादा शौक से देखते हैं। तो जनाब आपकी पुरजोर फरमाइश पे अच्छी खाला आज मौजूद है, मुस्कुरा रही है, बैठी हुई, अभी उनके तरफ चलेंगे, उनके सेगमेंट में शहजादे और परी की कहानी सुनेंगे। एंड ऑफ कोर्स एक चीज जो आपसे हमें फीडबैक मिला, और सदफ ने अपने सेशन को इस हिसाब से डिजाइन किया कि सदफ हमें साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, सेफ्टी, सोशल मीडिया हाइजीन और सेफ्टी सिक्योरिटी की बात तो करती है, लेकिन जब कोई आपको तंग कर रहा हो या आप किसी तरह की बुली का शिकार हो रहे हो या किसी क्राइम को देख रहे हो साइबर दुनिया के हवाले से, तो फिर नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, कौन सा फोन उठा के किसको फोन करना है, कौन सा ईमेल करना है, आज उस हवाले से नोट करने के लिए तैयार हो जाएं कि सदफ हमें साइबर क्राइम के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके बारे में डिटेल में वन बाय वन बताने वाली है। तो यह है जनाब आज सब कुछ हमारे पास आपके लिए। हाँ, यह तो मैं बताना भूल ही गया कि आज हम पाकिस्तान के अंदर एक खेले जाने वाले एक और खेल जिसका जिक्र कम कम होता है, क्योंकि वो बिल्कुल आपको गली महल्ले में खेला जाता हुआ नजर नहीं आता, और वो है टेनिस। आज उस हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि टेनिस की दुनिया पाकिस्तान में कहाँ है, क्या है, लोग खेल रहे हैं, क्या फ्यूचर है, क्या सिचुएशन है, जरा इस चीज को थोड़ा सा उधेड़ेंगे, इसको डाइसेक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद ट्रेनर काशिफ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं तौफीक भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जनाब आ गई है कुर्सी, और मुझे लगता है कि कुछ काम
सीन ऑन होने वाला है। सीन ऑन होने वाला है बिल्कुल। आज का सीन ऑन करने से पहले मैं माफ़ कीजिएगा, एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपने बात की ना वो कहीं थोड़ी सी मुझे लगा आपकी इजाज़त से वो महदूद सी होगी। मुआशरे का हिस्सा होने की हैसियत से हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग जब दफातर में जाएँ वहाँ पे भी ख्याल रखें और पब्लिक प्लेसेस में भी। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा सिर्फ घर ही नहीं, घर ही नहीं, दफ्तर से छुट्टी करके जब आ रहे हैं तब भी लाइटें और सिस्टम्स मशीनें सारी बंद करके और पब्लिक प्लेसेस में अगर आप टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, बाथरूम यूज़ करते हैं, होटल्स में जाके या रेस्टोरेंट्स में जाके तो वहाँ पर भी लाइट्स ऑन हो तो उनको बंद करके वापस आइएगा। आज का जो हमारा वर्कआउट है, वर्जिश की कुछ जो हरकत है वो बेसिकली फोकस्ड हैं अफराद बहम माजूरी या बुज़ुर्ग अफराद हमारे, उनकी आज उनके लिए आज हमारी चौथी नशिस्त है काफ़ी अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कैटेगराइज़ किया है तौसीक भाई, इसमें जो अकसाम है हमारी जैसे बाकी अफराद हैं, मैं चाहूँगा कि उनकी छुट्टी ना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम वर्कआउट की थोड़ी सी टेक्निक को मैं बता दूंगा कि हम किस तरह से करेंगे। लेकिन वो अफराद जो व्हीलचेयर बाउंड हैं या चल नहीं सकते जी अपनी उम्र की वजह से, बुजुर्गी की वजह से, किसी और तरह की माजूरी की वजह से, उनके लिए खास एक्सरसाइजेस, खास एक्सरसाइजेस हैं और उनकी जो रेपिटेशंस होंगी, जो हर वर्जिश की हरकत की जो रेपिटेशन है वो आपकी 6 रेपिटेशंस होंगी, 6 दफ़ा कसरत करनी है हर वर्जिश की हरकत को 6 दफ़ा, जो बुज़ुर्ग हैं और माजूर अफराद हैं। जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं उनकी जो हरकत होगी कसरत हर सेट की वो 8 रेपिटेशंस होंगे, और जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो 10 से 15 तक रेपिटेशंस करेंगे हर एक्सरसाइज को। जवान बच्चे और मंझले और बुज़ुर्ग और जो अफराद हम मजूरी हैं, 2 कैटेगरीज में मंझलों में आते हैं, जवानों में आते हैं, मैं जवान और मंझलों में आता हूं, जिस दिन हेयर कट करा लेते हैं उस दिन बच्चों में आते हैं। तो शुरू करते हैं, वार्म अप करना मत भूलिएगा। मैं जो हमारे बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके लिए और मजूर अफराद के लिए मैं कुछ बता देता हूँ कि आज की एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा वार्म अप करना कैसे ज़रूरी है। आपने हाथों को यूँ बुलंद करना है और रोटेशन करनी है, हाथ सीधे करके आपने इसको 20 से 25 सेकेंड्स तक आपने मुस्तकिल करते रहना है, और जो एक लोग रुख से और फिर दूसरे रुख से फिर उसके ऑपोजिट फॉर्म में ऐसे करेंगे ताकि, लेकिन जो जो हमारे बुज़ुर्ग अफराद देख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ये ख़ास चीज़ है, समझना ज़रूरी है कि वो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए हर हरकत के दौरान सुकून की हालत में जाना बहुत ज़रूरी है, तो कम अज़ कम 1 मिनट के लिए। उसके बाद हाथों को जैसे हम जंपिंग जैक्स में मैं स्टैंडिंग में कर रहा होता हूँ, इसमें आपने हाथों को यूँ करना ताकि आपके बेसिकली फोकस मेरा क्या है, आप नोट करिएगा कि जो हमारे बाजुओं का कनेक्शन होता है हमारे कंधों के जो पट्टे हैं उनके साथ होता है, तो उनकी मजबूती के लिए आज का खास तौर पे ये वर्कआउट मैंने सजाया है। वार्म अप होने के बाद अब शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। आपने रेजिस्टेंस बैंड या इलास्टिक मैट अमीना आपको बताते रहते हैं अक्सर औकात, आपने शुरू करना है इसको फंसा के टांगों में ऊपर जाना है। रेजिस्टेंस बैंड हम आपको बताते चले कि बहुत आसानी से दस्तियाब है हर बड़े छोटे शहर में, स्पोर्ट्स की या खेलों के सामान की जो दुकान होती है वहाँ से जाके आप इसको बहुत ही सस्ते दामों हासिल कर सकते हैं और ये हैंडल्स हैं, हैंडल्स के बगैर भी, अगर हैंडल नहीं है तो आप इसको यूँ भी पकड़ सकते हैं अगर आप इलास्टिक यूज़ कर रहे हैं। दोबारा बताऊँगा, 6 रैप्स हमारे बुज़ुर्गों के लिए और जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं 8 रैप्स, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं 15 रैप्स। अगली हरकत की तरफ चलते हैं, साइड रेज। इसमें आपने क्या करना है, टेंशन ज़्यादा है तो आपके हाथ ऊपर आने में मुश्किल होगी, जल्दी जल्दी नहीं करनी, जल्दी जल्दी नहीं करनी, कॉन्ट्रैक्शन करना है क्योंकि ब्लड का फ्लो हो रहा है और ख़ासूसी तौर पर जो हमारे बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके लिए बहुत। और साथियों अगर आप काशिफ का बैठने का अंदाज़ देखें तो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अपराइट, यानी आपने अपनी कमर को सीधा रख के बैठना है, ऐसे झुकना नहीं है जी। इसके बारे में निशानदेही करना इसलिए ज़रूरी है कि जो जब आप माजूरी में होते हैं, जब आप व्हीलचेयर बाउंड होते हैं तो आपकी आदत हो जाती है कि आप झुक के बैठना शुरू करते हैं क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी बैठने में गुजर रही होती है। अपनी कमर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए या टेक लगाएं पीछे या सीधा रखने की कोशिश। बिल्कुल। उसके बाद हमारी अगली हरकत है, इसमें हम हाथ सीधा लेके जाएंगे, थोड़ी सी और मुश्किल होती जा रही है, मैं समझ सकता हूँ आप अगर घर में मेरे साथ कह रहे हैं इस वक्त, लेकिन आप यकीन कीजिए कि हो क्या रहा है, जो हमारे बाजुओं का कनेक्शन मैंने बताया कि कंधों से होता है तो आपके कंधों में ब्लड का फ्लो हो रहा है, एक पट्टे के अंदर करोड़ों छोटे छोटे मसल टिश्यूज़ होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं जो डैमेज होते हैं, ब्लड का फ्लो होने से उनमें मजबूती आते हैं। रेपिटेशंस उम्मीद करता हूँ मेरी फॉर्म को आप अच्छे तरीके से फॉलो कर पा रहे होंगे और एहतियात से करना है, नाइस एंड कंट्रोल फॉर्म में।
बिल्कुल ठीक है, ये हो गई जी तीन एक्सरसाइजेस, अब चौथी की तरफ चलते हैं। अच्छा बिल्कुल इसी तरह से सामने की तरफ आएंगे, और अगर आपने टेंशन बढ़ानी है तो इलास्टिक को राउंड करके हाथ पे करके और यूं करना है। इसके बाद आपकी जो इसी हरकत में आपने इसको कांस्टेंट टेंशन रखनी है, इसमें क्या होगा, एक हाथ ऐसे और ये बाजू सीधे, और आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा टेंशन है इस हरकत से, तो आपने नॉन स्टॉप करनी है। आप सोच रहे होंगे कि काशिफ को सांस चढ़े, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वर्जिश हो रही है और वर्जिश में आपकी जो हरकत हैं बहुत मुश्किल होती हैं और देखने में सिर्फ आसान लगती हैं कभी कभार। अभी हम करेंगे बेंट ओवर रोज, जो लोग आगे नहीं झुक सकते उनके लिए मैं अरे बेंट ओवर रोज व्हीलचेयर पे बैठ के भी हो सकता है। जी वेरी गुड, ओ यस बिल्कुल, आपके रियल डेल्ट्स को हमने ट्रेन करना होता है ना। माफ कीजिएगा, मैंने बेंट ओवर रोज कहा है, बेंट बेंट ओवर रेज कहना था मुझे, बेंट ओवर रेज, ओके। देखिए एक आम तासुर यह है कि जो जो शख्स माजूर है या चल नहीं सकता या व्हीलचेयर बाउंड है या बुजुर्ग है और वो कुर्सी से उठ नहीं सकता, वो ये वर्जिश उसके लिए क्या, या जिम उसने क्या जाना, अरे भाई अब तो हम बस बैठ गए, अब तो हमारा भाई चल चलाओ है, अब तो व्हीलचेयर पे बैठ गए, यू नो एक ये सब कुछ यहाँ पे जी, है जी, यहाँ से आपने बदलना है। और देखिए कि व्हीलचेयर पे बैठ के भी आप कितनी एक्सरसाइजेस हैं जो कर सकते हैं, या अगर आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 बरस 70 बरस 80 बरस है, उसके बावजूद आप कितनी एक्सरसाइजेस की एक वैरायटी है आपके पास जो काशिफ आपके लिए लेकर आते हैं। हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हमारी आखिरी एक्सरसाइज है। पहले मैंने फ्रंट रेज ऐसे किए थे, अब मैंने अपनी जो ग्रिप है आउटवर्ड कर दी, और अब हम इसको यूं करेंगे। इससे ये हुआ कि टेंशन मजीद इंक्रीज हो गई, आपका जो रोटेटर कफ है बेसिकली, अभी मैंने जो ये ग्रिप थी मेरी तो मैं यूं कर रहा था, जब मैंने स्विच की तो आप देखिए मजीद उभर गया मेरा शोल्डर, टेक्निकली देखिए और तरह के मसल्स जो इन्वॉल्व हो गए, मसल फाइबर जैसे मैं अक्सर कहता हूं, तो मसल फाइबर्स मसल टिश्यूज रिक्रूट होते हैं। तो ये आपकी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें आप वही रेपिटेशंस जो मैं बताता आ रहा हूँ, साथ साथ पानी ज़रूर पीजिएगा। मेरे बुजुर्ग अफराद माजूर अफराद जो मुझे देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आपने जल्दी में नहीं करना और असकून की हालत में जाना है 1 से 2 मिनट के लिए। अब अगली जो हमारी है कॉन्ट्रैक्शन की, आपने यहाँ पे हाथ होल्ड करके रखने हैं 30 सेकंड से 1 मिनट तक पूरे वर्कआउट के बाद। ये बिल्कुल प्लैंक की तरह है, हाथों का प्लैंक आप कह लीजिए इसको, कि आपने जब वर्कआउट अपनी वर्जिश मुकम्मल की है और आखिर में अब मुझे दर्द होने लग गया, अब यकीनी तौर पर मुझे पेन फील हो रही है, तो आपने ये मुझे यकीन है आप मेरे साथ ये कर रहे हैं और आपको भी महसूस हो रहा होगा, और बज़ाहिर बस हाथ से ऊपर किए हुए लेकिन लेकिन वो उस इलास्टिसिटी के प्रेशर की वजह से बकायदा पूरा स्ट्रेस पड़ा क्योंकि वर्कआउट के आखिर में जब हम इस तरह की कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं फोकस के लिए और मजीद मसल रिक्रूट करते हैं, तो हमें पेन और खलियाँ जिसको कहते हैं वो फील होती है। आप हमें मैसेज करके बताना मत भूलिएगा हमारे फेसबुक के एड्रेस पे ब्रेकफास्ट एट होम पे, और हमसे आप कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा, किसी भी हवाले से हम आपके मुंतजर रहेंगे। यह था आज का हमारा वर्कआउट, बहुत शुक्रिया ट्रेनर काशिफ। आज ट्रेनर काशिफ ने अफराद बाहम माजूरी और व्हीलचेयर बाउंड लोग या जो चल नहीं सकते किसी भी वजह से, या बुजुर्ग अफराद जो चल नहीं सकते उनके लिए खसूसी वर्जिशों का एक गुलदस्ता लेकर आए थे काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे एक मशहूरिया ब्रेक, और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अशी खाला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज सुनेंगे बच्चों बड़ों ने कहानी का वक्त आ गया है, सब तैयार हो जाएं, फोन स्विच ऑफ कर दें और मजे की शहजादे और परी की कहानी है आज, रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं। कहानी सुनने का वक्त आ गया है, अच्छी खाला हमारे साथ मौजूद है, आदाब अस्सलाम वालेकुम। जीते रहिए, वालेकुम अस्सलाम, खुश? बहुत खुश। सर्दियां कैसी गुजर रही? बहुत अच्छी गुजर रही है, आपकी तो बहुत ही मुश्किल गुजर रही है। बहुत मुश्किल गुजर रही है सर्दियां। अच्छी खाला, हमने आपको कहा था कि हम आपकी कहानी लाहौर सेंटर से सुन लिया करेंगे, आप पीटीवी लाहौर चले जाएं डेविस रोड पे, वहां पे हम कैमरा ले जाएंगे
उधर से आपकी कहानी सुन लिया करेंगे। आपने भी कहा नहीं मैंने इस्लामाबाद आना है। मैं इस्लामाबाद और मुस्तकिल शिफ्ट हो गई हूँ, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, कहानी आज क्या है अच्छी खाला? आज देखें दानियाल और रेयान भी आए हुए कहानी सुनने। अच्छा जी, और रेयान और दानियाल आप कहानियां सुनते हैं शौक से? अच्छा, सुनते हैं? और कहानियां पढ़ते भी हैं? उर्दू? उर्दू की इंग्लिश की? उर्दू की और इंग्लिश की। और दानियाल आप उर्दू की पढ़ते हैं? उर्दू की इंग्लिश की के दोनों? दोनों दोनों। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों। बेटा उर्दू जो है वो हमारी अपनी जुबान है, इसलिए उसे जरूर पढ़ना चाहिए और इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए क्योंकि वो भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में बोली और समझी जाती है। राब्ते की जबान, राब्ते की जबान है। अब तो अंग्रेजी बन गई। ठीक है, तो जनाब आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ एक शहजादे की जिसका नाम सुल्तान है। ठीक हो गया। ठीक है जी, आप हमेशा ये होता है कि जब भी किसी बादशाह के हाँ शहजादा पैदा होता है तो वो फौरन नजूमियों को बुला लेता है। ये काम और वो पूछता है कि जी ये कैसा होगा, इसकी किस्मत कैसी होगी, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब जब शहजादा सुल्तान पैदा हुआ तो उनके वालिद ने भी नजूमियों को बुलाया, उन्होंने बड़ी तारीफें की कि बहादुर होगा और ये होगा और अकलमंद और मुंतजिम और सारा। आपको मुंतजिम का मतलब आता है? जो अच्छा इंतजाम करता है, अच्छा मैनेजर। मैनेजर, अच्छा। उन्होंने कहा जी शहजादा सुल्तान बहुत अच्छा मैनेजर होगा। हाँ जी, हुकूमत बड़ी अच्छी चलाएगा, मैनेजमेंट उसकी बड़ी अच्छी होगी। हाँ, तो दानियाल यूं हुआ कि लेकिन उन्होंने कहा कि शहजादा जब शिकार के लिए जाए, क्योंकि शहजादे को शिकार पे जरूर जाना होता है जी, ये भी हर कहानी में, ये भी हर कहानी में है। और जब वो शिकार के लिए जाए तो वो चारों खोंट जाए और एक खोंट जो जनूब की तरफ है ना जाए। खोंट का मतलब है साइड। अच्छा। तरफ उर्दू में खोंट भी कहते हैं। ठीक है, यानी चार हर तरफ जा सकता है। हर तरफ जाए, मशरिक में जाए, शुमाल में जाए, मगरिब में जाए, नहीं लेकिन जनूब में ना जाए। जनूब में ना जाए। जनूब का मतलब होता है जो बिल्कुल होता है ना नीचे का हिस्सा। आप देखते हैं ना साइड्स, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जी। शुमाल है ऊपर, ठीक है, राइट साइड पे है मगरिब, लेफ्ट साइड पे है मशरिक, और बिल्कुल नीचे जो है वो है जनूब। और जनूब को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, सब बताएं जोर से। हाँ जी, जनूब को क्या किसी को नहीं पता? साउथ। साउथ। ये मैं सिर्फ चेक कर रहा था सब सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, या तो सब सो रहे हैं या किसी को नहीं पता कि जनूब को साउथ कहते हैं। अच्छा जी, साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक ठीक है, तो उन्होंने कहा साउथ में ना जाए, साउथ में ना जाए। हाँ बिल्कुल जाए। तो अब शहजादे, वो बादशाह ने हुक्म दे दिया कि जो भी साथ जाए वो शहजादे को साउथ की तरफ ना जाने दे, बल्कि साउथ जो है उस पे तारे लगवा दी जाए, साउथ की साइड पे, जो उस वो उस शहर से साउथ पड़ता है उस साइड पे रास्ता बंद कर दिया जाए। चुनाचे जनाब ये इंतजाम हो गया, शहजादा बड़ा हो गया। हस्ब मामूल शहजादा जो है उसे सिखाया गया तलवार चलानी, तीर कमान तीर चलाना, शिकार करना और शिकार, घुड़सवारी भी सिखाई गई। अब शहजादा जब हुआ इस उम्र के पहुंचा के भाई वो जा सके अपने साथियों के साथ, लेकिन उसके साथ हिफाजत के लिए सिपाही भी होते हैं। ठीक है, सब साथ जाते हैं शहजादे के, ये नहीं कि वो अकेला चला जाए। तो उसे जब भेजा गया तो शहजादा जब जाते जाते बहुत दूर निकल गया तो उसने एक हिरन को देखा। अच्छा। जो बहुत खूबसूरत हिरन था। ठीक है, यानी आम हिरनों से मुख्तलिफ सुनहरी कलर का, और उसके सींग जो थे वो थे गोल्ड के। ओए, होए, होए, होए। तो अब वो हिरन जो था शहजादे ने जब देखा तो उसने सोचा कि ये तो मेरे पास होना चाहिए। उसने तीर चलाया और हिरन की टांग पे खींच के मारा, निशाना लगाया ताकि हिरन मरे भी ना और गिर जाए और मैं इसे पकड़ लूं। ठीक। अब जैसे ही हिरन, आपको पता है बड़ा चौकन्ना जानवर है, बहुत होशियार जानवर है बच्चों, तो जब हिरन जो है वो, आपको नींद तो नहीं आ रही? नहीं। अच्छा। तो वो जब उन्हें बादशाह जो था उसने जब तीर चलाया
तो हिरन जो है वो एकदम इधर उधर हुआ, तीर उसके पास से सनसनाता गुजर गया। ठीक। और जनाब हिरन भागा, हिरन बहुत तेज भागता है, लेकिन शहजादे ने आओ देखा ना ताओ, और जनाब घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। ठीक। दौड़ाते दौड़ाते हिरन इतने, और हिरन साउथ की तरफ निकल गया, और जनूब की तरफ तो जाना नहीं की तरफ जनाब जाना नहीं था। शहजादे को इस बात का इल्म नहीं था, पता नहीं था। ठीक। उसको बताया तो नहीं गया था, लेकिन उधर जाने नहीं देते थे। हाँ। अब जनाब शहजादे ने घोड़ा तेजी से दौड़ाया और बाढ़ जो लगी हुई थी उसके ऊपर से घोड़े को फलांग गया और हिरन के पीछे, और पता नहीं कहां तक दौड़ता चला गया। सिपाही पीछे रह गए, उनकी नजरों से ओझल हो गया ताकि वो उसे रोक सकते। जनाब दौड़ते दौड़ते हिरन जो था एक जाके एक इमारत, बड़ा सा महल टाइप चीज थी, ठीक है, उसके अंदर जाके और गायब हो गया। हिरन उसके अंदर गया और गायब हो गया। हाँ, शहजादा भी उसके पीछे उसके अंदर गया, ठीक, लेकिन उसे हिरन नजर नहीं आया। अच्छा। अब शहजादा परेशानी में देख रहा, परेशानी में, वो इमारत ऐसे थी कि उसके चारों तरफ कमरे थे। अच्छा। और दरवाजे बंद थे। अच्छा अच्छा। अब शहजादे ने देखा, उसने एक दरवाजा खोला तो वहां पर सोने की अशरफियां ही अशरफियां भरा हुआ। अरे वाह। शहजादे को कोई जरूरत नहीं थी उन अशरफियों की, इसलिए उसने छोड़ दिया। दूसरा दरवाजा खोला तो उसमें चांदी के बर्तन चमक जगमगा रहे, शहजादे को उनकी भी जरूरत नहीं थी। इसी तरह वो खोलते खोलते छह दरवाजे तो खुल गए। अब उसने सोचा मैं सातवां दरवाजा खोलूं या ना खोलूं, इसमें भी ऐसी ही चीजें होंगी। ठीक। लेकिन फिर कोई मोती होंगे या हीरे, हाँ, हीरे होंगे या... कुछ होंगे, मुझे उनकी परवाह नहीं, हिरन तो है नहीं। हाँ, मुझे तो हिरन चाहिए, हिरन चाहिए। अब जनाब लेकिन फिर कुछ सोच के उसने वो जब सातवां दरवाजा खोला तो जनाब वो तो एक दुनिया ही अलग थी। अच्छा। वो ऊपर से उस जो कमरा था उसके ऊपर छत नहीं थी, नीला आसमान था और जनाब तरह तरह के फूल और दरख्त और परिंदे जो हैं वो चहचहा रहे हैं रंग बरंगे, और जनाब फल लटक रहे हैं दरख्तों से और फूल खिले हुए हैं और एक नदी भी बह रही है। क्या खूब। थोड़ी जब, हाँ, शहजादा उसमें इतना महव हुआ कि अंधेरा हो गया। अंधेरा था लेकिन ऊपर आसमान रोशन था, उस पे सितारे जगमगा रहे थे। इतने में उसे छन छनाहट की आवाज आई, छन 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 जैसे घुंघरू बजते हैं, और ऊपर से उसने देखा कि परियां उतर रही हैं। सात परियां वो ऊपर से उतरी। अच्छा, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हर कहानी में परियों की तादाद सात है। हाँ, ये अजीब हो रही है, सात है ये, पता नहीं, मैंने तो कहानियां सुनी है इसलिए मुझे क्या पता कि सात का हिंसा जो है वो कितना परियों के साथ, परियों के साथ है मुंसलिक। अच्छा, तो जनाब ऊपर से जब परियां उतरी, छन छन करती नीचे उतरी, तो वो मुख्तलिफ रंग थे, एक सफेद रंग की, एक पिंक रंग की, एक येलो हर तरह, लेकिन एक ब्लू थी जो सबसे प्यारी थी। अब उन्होंने अपने पर उतारे और किनारे पे रखे नहर के, दरिया के, और जनाब उन्होंने दरिया में तैरना शुरू कर दिया। ठीक। यानी वो खेल रही थी पानी से, एक दूसरे के ऊपर पानी डाले, महव थी। शहजादा जो था परियों को देखते एक झाड़ी के पीछे छुप गया। अच्छा, ताकि मुझे ना देखे शहजादा। हाँ। अब जब परियां अंदर चली गई तो शहजादे को वो जो नीली परी थी वो बहुत अच्छी पसंद आ गई। उसने यूं किया कि उसने सोचा कि अभी ये बाहर निकलेंगी, पर लगाएंगी और उड़ जाएंगी परिस्तान को। हाँ। लेकिन शहजादे ने वो नीले पर जो थे वो उठा के छुपा लिए झाड़ी में। ओए होए होए होए, ये तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मार्वल स्टूडियोज की कोई फिल्म चल रही है। बड़ा जबरदस्त पूरी मंजरकशी जो अच्छी खाना ने की। दानियाल, आपको कैसी लग रही है कहानी? अच्छी है। आप बोर तो नहीं हो रहे? मुझे कुछ कुछ लग रहा है ना। हाँ। असल में बहुत सुबह सुबह जल्दी इनकी मम्मा ने इनको उठा दिया। उठा असल में मम्मा का ज्यादा शौक मुझे लग रहा था कहानी सुनने के लिए आने का, बच्चों से ज्यादा। अच्छा, अगली दफा मम्मा को बिठाएंगे। अच्छा, ठीक। अच्छा जनाब,
अब वो परी जब बाहर निकली, परियां सब परियों ने पर लगाए, अब वो नीली परी जो थी वो परेशान के मेरे पर कहां गए, पर के बगैर वो उड़ नहीं सकती, परिस्थान वापस जा नहीं सकती। बाकी परियां अब कहने लगी कि हमें तो सूर्य निकलने से पहले जाना है, तो अब क्या करें। उन्होंने कहा तुम यहीं बैठो, हम कल आएंगे फिर तुम्हें ले जाएंगे। उन्हें शहजादे का तो पता नहीं था। अब जनाब उन्होंने पर लगाए और उड़ गई। नीली परी उदास बैठी थी कि जब परियां चली गई तो शहजादा निकल आया। और अच्छी खाला उसने, जी यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमें इस कहानी का पार्ट वन या फ्रीज करना पड़ेगा। अच्छा जी, कि फिर परी और शहजादे पर मिले नहीं मिले। जनाब शहजादा जब निकला, मैं आपको बताती हूँ, तो लेकिन हमने दूसरे किस्त के लिए रखना है। हाँ हाँ, तो जनाब उसने जब निकला तो परी हैरान होगी कि ये आदमी कहाँ से आ गया, और फिर क्या हुआ ये देखेंगे अगली किस्त। ये देखेंगे अगली किस्त में। जनाब छह परियां येलो पिंक ग्रीन रेड जो थी सारी वो तो चली उड़ गई हैं। और खूबसूरत जगह है, साउथ जनूब का इलाका है, शहजादा सुल्तान जो है वो वहाँ मौजूद है, और हिरन गायब है, और घोड़ा बाहर खड़ा है, और नीली परी सामने बैठी है जिसके पर जो है शहजादे ने छुपाए हैं। बहुत सीन फिट जा रहा है ये ड्रामा, हर चैनल को पीछे छोड़ गया है इस वक्त रेटिंग। अच्छी खाला बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लुत्फ आया हमेशा की तरह और तजस्सुस बढ़ गया। अगले फ्राइडे को आपको अच्छी खाला बताएंगे कि जी फिर अगली कहानी का अगला हिस्सा क्या लेके आता है। अपना बहुत सा आप सब ने ख्याल रख रहे हैं। थैंक यू दानियाल, थैंक यू रियान, थैंक यू अच्छी खाला। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सदफ हमारे साथ मौजूद है, और आज कुछ हम साइबर क्राइम रिपोर्टिंग की बात करेंगे। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज हमें मालूम है कि आपको अच्छी खाला की कहानी के साथ साथ सदफ का इंतजार भी रहता है, और आज सदफ जो है हमारे लिए लेकर आई है कुछ साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के हवाले से बहुत ही अहम सेशन। पहले बताएं कि वो जो नीली परी की कहानी है उस वो कहाँ तक पहुँची है। वो नीली परी की कहानी अभी तक तो बड़ी जबरदस्त है, अगर वो इतनी खूबसूरत पड़ रही है तो आई वंडर कि नजूमी ने मना क्यों किया था उस तरफ निकलने के लिए। ये तो अगली किस्त में पता चलेगा ना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है शहजादे पे कुछ मुश्किलात पड़ने वाली हैं, तभी मना किया गया होगा। अच्छी खाला की कहानी सुनते हुए मैं सोच रही थी कि नजूमियों ने बादशाह को बताया, बादशाह ने अपने सिपाहियों को बताया, शहजादे के साथियों को बताया कि उस साइड नहीं जाना है, लेकिन शहजादे को ये पता नहीं था कि उस साइड नहीं जाना है। तो कभी कभी मालूमात का ना होना भी आपको मुश्किल में डाल देता है। बिल्कुल, इसलिए जो आज का सेगमेंट है वो कुछ ऐसी मालूमात से रिलेटेड जिनका हम तस्करा पिछले कई प्रोग्राम्स में करते आए हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने फिशिंग की बात की या ऑनलाइन स्कैम्स की, और उससे पहले भी हम कई ऐसी साइबर क्राइम्स की बात कर चुके हैं जिनके लोग निशाना बनते हैं। और हर बार मैं ये कहती हूँ कि अगर आप एक्टिव सिटीज़न हैं, आप अच्छे शहरी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि खुद अपने आप को बचाने के साथ साथ इन क्राइम्स को रिपोर्ट भी किया करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो सेगमेंट है ये फोकस्ड है कि जब हम रिपोर्ट करने की बात करते हैं तो वो कैसे करते, तो वो किस तरह करते हैं और किसको रिपोर्ट करते हैं। और वो ये साइबर क्राइम दो तरह का हो सकता है, या तो आपके साथ कोई क्राइम हो रहा है, या आप कोई साइबर पे क्राइम के हवाले से ऑनलाइन किसी के साथ कोई क्राइम होता हुआ देख रहे हैं, या आपके आपको निशानदेही की गई है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, निशानदेही आपकी की गई है, आप देख रहे हैं। इसीलिए FIA ने जो साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए उसके मुख्तलिफ तरीके इंट्रोड्यूस कराए हैं। सबसे आसान तरीका जो है वो फ़ोन करना है। FIA की एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन है जो 24 घंटे 24/7 अक्रॉस द वीक सुबह शाम ऑपरेट करती है। 9911 बिल्कुल 9911 ये हेल्पलाइन है जिसपे कोई भी अपने मोबाइल से अपने फ़ोन से कॉल करके जो आपके साथ अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है तो उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
क्योंकि ये हेल्प लाइन है, तो इधर आपको एक ह्यूमन इंटरवेंशन भी मिल सकती है, ऑटोमेटेड निज़ाम। और ये हफ्ते के सात दिन 24 घंटे ये हेल्प लाइन ऑपरेट करती है। ये स्पेशली साइबर क्राइम के लिए ही है। FIA की वैसे तो एक और हेल्पलाइन है, क्योंकि FIA के मैंडेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जब आप साइबर क्राइम के हवाले से रिपोर्टिंग, तो ये स्पेसिफिक 9911 हेल्पलाइन है जिसके ऊपर आप कॉल करेंगे। जो सबसे ज़्यादा डिटेल तरीक़ेकार है क्राइम रिपोर्ट करने का, वो FIA की वेबसाइट के ऊपर एक कंप्लेन फॉर्म मौजूद है। अच्छा। अगर आप FIA की मेन वेबसाइट खोलें तो आपको वहाँ पे उसका लिंक भी मिल जाएगा, लिंक डिस्प्ले भी हो रहा है। आई थिंक कंप्लेन एट FIA.gov.pk है इसकी URL। अगर आपको complaint.fia.gov.pk फाइंड करने में कोई मसला हो रहा हो, तो आप सिर्फ FIA साइबर क्राइम विंग लिख के गूगल करें, तो अब भी आपको ये लिंक बआसानी मिल जाएगा। ये शुरू के 2-3 लिंक्स में होता है। जब आप ये लिंक क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुल जाता है। अच्छा। अब इसका फ़ायदा ये है, और मेरे लिए ये प्रेफर्ड मेथड है रिपोर्टिंग का, क्योंकि जब आप FIA के पास कंप्लेन दर्ज करते हैं, तो ज़ाहिर अगर आप पुलिस के पास जाएं, कोई भी नॉर्मल जुर्म, वो फॉर्म है इस वक्त हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत सादा सा फॉर्म है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप किसी जुर्म का शिकार हो, आप पुलिस के पास जाएं, तो एक मखसूस मालूमात होती है जो पुलिस ने अपने पास लिखनी होती है। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फोन पे बात करते हुए शायद कब मुर्तकिब हुआ, क्या हुआ, आपका NIC नंबर क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें पुलिस को हेल्प करती हैं अपना काम करने में। इसी तरह जब हम साइबर क्राइम रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम एक कानून के तहत रिपोर्ट किया जा रहा है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, साइबर क्राइम लॉ जिसे आम जबान में कहते हैं, तो अगर कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो उसके कुछ कानूनी, कम अज़ कम आपकी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है। और जो दूसरी चीज़ ये कि कई दफ़ा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए एक चीज़ वक्त पे रजिस्टर हो गई, वो बहुत है, तारीख का हिस्सा बन गई कि आपने इतने बजे इस चीज़ को रिपोर्ट कर दिया था, तो इस फॉर्म को फिल करके, और ये फॉर्म बहुत आसान है, आपका नाम, आपका NIC नंबर, आपका जेंडर क्या है, एड्रेस, हाँ अगर आप एक पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज रहते हैं, ठीक है, और आपके साथ कोई क्राइम हो, तो ये कंप्लेन का जो सिस्टम है, ये आपसे पाकिस्तान का एड्रेस ज़रूर मांगेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का कानून है, ऑपरेट होने के लिए कोई फिजिकल आपकी प्रेजेंस, कोई चीज़ पाकिस्तान के कोई अंदर लिंक आपका शो कोई लिंक शो होना चाहिए। जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे और आप सबमिट कराएंगे, तो आपको एक कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आपको बाद में अगर फॉलो अप करना है कि मेरी, मैंने कंप्लेन दर्ज कराई थी, उस हवाले से क्या प्रोग्रेस है, क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन किस उस पर पहुँची, मेरे पास कोई आया या नहीं आया, तो वो वाली सारी चीज़ें, आप जैसे कोई भी आप चीज़ कोरियर करें तो आपके पास आ जाता है ना एक रजिस्ट्रेशन नंबर, और आप उसे ट्रेस कर सकते हैं पार्सल कहाँ पहुँचा, तो आप समझ लें ये उसी तरह का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिससे बाद में आप ट्रेस कर सकते हैं कि कार्रवाई कहाँ तक पहुँची। अगर आप आपका अपना ईमेल प्रोवाइड करते हैं, तो अक्सर FIA आपको ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर लेता है। हाँ, यहाँ क्योंकि हमारा जो इदारा है पाकिस्तान के दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरह, वसाइल की कमी है और ओवरबर्डनड है, ठीक है, तो जो रिस्पांस टाइम है वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। एक और तरीक़ा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ईमेल का है, और हम जरा स्क्रीन पे साथ साथ फरुख अगर हम दिखाते भी रहें, helpdesk@nr3c.gov.pk बिल्कुल, ये ईमेल है जी, जी सॉरी ये वही वाला आपने दोबारा लिखवाया है, ऑलराइट, ये ईमेल है, इस ईमेल पे भी अलग से इस ईमेल पे आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमेल भेजें रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म इस्तेमाल करने के बजाय, तो ये जो सारी मालूमात हैं जिसमें आपका नाम, आपका NIC नंबर, आपका पता, मोबाइल नंबर, नेचर ऑफ कंप्लेन, कि आप क्या कर रहे हैं, और अगर आपके जहन में कोई ऐसा शख्स है, जैसे अगर आप पुलिस के पास FIR दर्ज कराने जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि मुझे इस पे शक है, अच्छा, तो अगर आपको किसी पे शक है तो उसका नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर,
क्योंकि तफ्तीश की इब्तिदा प्रॉपरली तभी होगी। अगर वो ना मालूम है तो जाहिर आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको किसी पे, जैसे आप कभी भी थाने में जाके कोई एफआईआर दर्ज कराते हैं तो जो बुनियादी मालूमात होती हैं वो उसमें होती है। इसको सब अप यूं अभी तक के गुफ्तगू को यूं करेंगे कि एक तो टेलीफोन नंबर है जो हेल्पलाइन है 9911, उसके अलावा एक जो वेबसाइट है जो पोर्टल है उस पर आप जाएं और वहां जाके आप जब क्लिक करें तो एक फॉर्म खुलेगा, उसके जरिए आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और तीसरा तरीका हमारा जो ईमेल का है, उस ईमेल के ऊपर आप पूरी ईमेल लिखें, उसमें अपने तमाम कवायफ अपने भी लिखें, जो जुर्म आपके ख्याल में मुर्तकब हुआ या आपको हरास किया गया या कोई भी साइबर क्राइम का आप शिकार हुए उसकी तफसील लिखें और उस ईमेल को भेज दें। लेकिन ये जहन में रखें कि जब आप फॉर्म फिल करके भेजें तो आपको जो नंबर दिया जाएगा कंप्लेंट नंबर, उसको आपने नोट करना है, उसको फॉलो करना है। और ये भी जहन में रखें कि जैसा कि हमें सदफ बता रही हैं कि एफआईए के जो हमारे कॉलीग्स हैं, शिकायत की तादाद बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स कम है, तो ये मत समझिए कि आपने आज शिकायत दर्ज कराई तो 3 घंटे के बाद आपकी शिकायत का अजाला हो जाएगा। दिन रात काम होता है इस पे और वो कॉलीग्स ओवरवर्क्ड हैं तो शायद थोड़ी सी ताखीर हो, लेकिन काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगर फ्रिवलस कंप्लेंट्स हैं और कोई ऐसी कंप्लेंट है जो आपका खुद इरादा ही नहीं है फॉलो थ्रू करने का, तो इन कंप्लेंट्स को प्लीज ना दर्ज कराएं क्योंकि फिर वो मजीद सिस्टम जो है वो मुतासर होता है और वो चोक होता है। ग्रेट। और कोई तरीका है जी कंप्लेंट दर्ज कराने का? बिल्कुल, जैसे आप थाने जाते हैं वैसे आप एफआईए के दफातर में फिजिकली जाके भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अब वो थोड़ा सम अप करना मुश्किल है क्योंकि हर शहर में डिफरेंट तरह के वो होंगे, सेंटर्स होंगे, उसके लिए भी अगर आप एफआईए की वेबसाइट पे जाएं तो एड्रेसेस आपके शहर के हिसाब से एफआईए के जो सेंटर्स बने हुए हैं स्पेशली साइबर क्राइम के जहाँ जहाँ पे हैं वो आपको बासानी मिल जाएंगे। आप ख़त भी भेज सकते हैं, आप रिटर्न एक लेटर लिख के, लेकिन अगर आप लेटर भेज रहे हैं तो अपने शहर भेजने के बजाय बेहतर है कि इस्लामाबाद में NR3C के जो हेड क्वार्टर है उसके डायरेक्टर को नेम करके भेजें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो साइबर क्राइम विंग है वो बहुत अंडरस्टाफ्ड है और ज़रूरी नहीं है कि हर शहर में उनके नुमाइंदे या डिजिटल फॉरेंसिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद हों। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे एक मेरी अजीज़ा के साथ इस तरह का एक मसला हुआ और मुझे याद है कि आज से कुछ महीने पहले, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं तो उनकी वजह से मैं ज़रा उनके केस को थोड़ा मुझे फॉलो करने का मौका मिला। और यकीन जानिए हम अमूमन बैठ के इदारों की और लोगों की कोताहियों का जिक्र बहुत ज़्यादा मीडिया पे उसका प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में ये ज़रूर अच्छी बात को भी बढ़ाना चाहिए। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी की फ़ोन कॉल करवाए, एफआईए के इस विंग ने इतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड बैक किया और कुछ ही दिनों में वो मसला हल हुआ। और मैं बड़ा खुश हुआ कि अमूमन एक तासुर ये ना कि अच्छा जी फिर आपको कहीं से फोन करवाना पड़ता है या कोई सिफारिश हो, बगैर किसी सिफारिश यंग बॉयज उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, समझदारी से उस काम को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। एफआईए अब बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग है, उनके जो रिसोर्स के कंस्ट्रेंट्स हैं वो बहुत रियल हैं। तो बहुत दफ़ा मुझे शिकायत मिलती है लोगों से कि इतने दिन हो गए, स्पेशली अगर ब्लैकमेल हो रही हैं लड़कियां और हरासमेंट की बातें तो वो ज़रा बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। लेकिन ये इदारे से ज़्यादा जो हमारा पूरा सिस्टम है जिसके अंदर उसका मसला बहुत ज़्यादा। सदफ हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छा एक सेगमेंट सजा के लाती है, ये खुद एक ऑनलाइन सेफ्टी सिक्योरिटी और सोशल मीडिया हाइजीन की एक ट्रेनर है, एक्सपर्ट है, और इनके काम के हवाले से हम भी फ़ायदा उठाते हैं अपने शो के अंदर। ब्रेकफास्ट एट होम हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर इनबॉक्स कीजिए सदफ से, अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपको किसी मसले का ऑनलाइन किसी सेफ्टी सिक्योरिटी हाइजीन के हवाले से किसी प्रॉब्लम का आप शिकार हैं, सदफ बहुत खुशी से आपको पर्सनलाइज्ड मशवरा भी देंगी। सदफ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं तो आज एक बहुत ही दिलचस्प अंदाज में मेहमान से गुफ्तगू होगी। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आज हमने एक ऐसे मेहमान को बुलाया है कि उनसे हम एक खास खेल तो नहीं लेकिन
हम एक खास खेल के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे और वो है क्रिकेट, इसलिए कि क्रिकेट को इस मुल्क के अंदर ना किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, वो खुद ही सपोर्ट अपनी इतनी ज़्यादा कर लेती है। लेकिन जो दूसरे खेल हैं वो क्या महंगे हैं, क्यों उनके अंदर हमारे बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, क्या मसाइल हैं, क्या उनकी फेडरेशंस के पास पैसा नहीं है, जिसमें हम बुनियादी तौर पर देखें तो हमें हॉकी नज़र आती है, हमें फुटबॉल नज़र आती है, हमें टेनिस नज़र आती है। तो आज हमने फॉर्मर सेनेटर सैयद दिलावर अब्बास साहब को मधु किया, जो कि पैट्रन हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के, कि वो तशरीफ लाएं। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। वैसे तो दिलावर साहब, आपकी शख्सियत ऐसी है कि जिसमें हम जिसपे बहुत से हवालों से बात हो सकती है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, सियासत के अंदर आपका बहुत ही अहम और भरपूर किरदार रहा। अच्छा कोयल को आप लीड करते रहे, यू वर द चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आप 2009 तक आप सेनेटर रहे, लेकिन जो आपका खास दिल लगा हुआ है टेनिस के साथ, उस हवाले से हम जरूर बात करना चाहेंगे। जरूर। ये बताइए सर के क्या, पहले तो ये बताएं, टेनिस का बहुत महंगी खेल है, ये महंगा शौक है? टेनिस एक महंगा शौक है ये तो डेफिनेटली, क्योंकि रैकेट तो खैर आप एक रैकेट के साथ या पेयर के साथ यू कैन लास्ट फॉर 2 years, 3 years, 4 years। अच्छा, नहीं, एक रैकेट जो है वो 2 साल निकाल देता है। एंड लॉट डिपेंड्स ऑन द गेम यू प्ले, इफ यू आर अ वेरी एग्रेसिव फास्ट एंड पावरफुल प्लेयर, अच्छा, तो उसके लिए डेफिनेटली रैकेट की लाइफ जो है वो एक कम होती जाती। बट अदरवाइज लाइक प्लेयर लाइक मी हु इज रेगुलरली प्लेइंग, एंड मैं, मेरा ख्याल है कोई 30-35 साल से तो टेनिस खेल रहा हूँ मैं, और अभी भी खेलते हैं? और भी डेली खेलता हूँ, रोज। और अगर मैं ना खेलूँ तो आई फील लेजी, लेथार्जिक, एंड आई नॉट अप टू द मार्क। ये भी टेनिस भी एक नशा है? नशा है, इट लाइक एनी अदर स्पोर्ट। ये जो टेनिस है इसका नशा कुछ इस तरह का है कि आप टिल द एज ऑफ 80-90 आप टेनिस खेल सकते हैं। लेकिन लवर साहब, ये तो जब हम देख रहे होते तो बहुत ज्यादा भागना पड़ रहा है इधर से, इस साइड से उधर। हाँ जी, मतलब जी। ऐसा नहीं है कि, मेरा ख्याल है टेबल टेनिस जो है कम से कम उसमें आपको भागना कम पड़ता है। कम पड़ता है ये, इट इज लाइक टेनिस इज एज अ बिग और एक्सरसाइज एज क्रिकेट, उसमें दौड़ना है, इसमें एक रैली में आपने यहाँ से उधर कवर करना है, फिर आगे नेट तक जाना है। एग्जैक्टली। व्हेन अगर आपका ओपोनेंट ड्रॉप प्लेयर है तो वो आपको नेट पे लाएगा और फिर आपको पीछे भेजेगा। तो अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट दिलावर साहब, के ये महंगी खेल है शायद, और इसके लिए प्रॉपर एक कोर्ट चाहिए, उसके अपने कुछ लवाजमात हैं, शायद इसलिए इसको महंगा खेल कहा जाता है और आम आदमी की रसाई इस तक नहीं है, क्योंकि जो इसके टेनिस कोर्ट्स हैं उनकी भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ। देखें, आप अगर आप यूरोप में जाएं तो आपको पब्लिक कोर्ट्स मिलेंगे जहाँ पे लोग आके वो मेंटेन भी करते हैं, और बात भी है पैसे की, अगर हमारे पास भी पैसे हों तो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन कैन। अब मैंने जो कहने कर ली, बट आपको शायद पता है कि एक कॉम्प्लेक्स बनवाया मैंने जी, जिसमें मैंने फंडिंग जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से नहीं जी, अच्छा, 2 करोड़ चौधरी शुजात साहब से लिया एज प्राइम मिनिस्टर, वाजीवा, और 2 करोड़ चौधरी परवेज इलाही से लिया एज चीफ मिनिस्टर। 4 करोड़ ये और 1 करोड़ मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर से रेज किया, 25-25 लाख कंपनियों से। इतना ज्यादा पैसा चाहिए होता है एक कोर्ट बनाने? नहीं, एक कोर्ट नहीं। हाँ। ये कॉम्प्लेक्स है पूरा। अच्छा, पूरा कॉम्प्लेक्स, ओके ओके। ये है भी मेरे नाम पे, बिकॉज जब मैंने बनवाया तो खुद मैंने फंडिंग ये रेज की, तो वो फिर फेडरेशन ने, मैं उस वक्त प्रेजिडेंट भी था क्योंकि मैं 8 साल प्रेजिडेंट रहा हूँ फेडरेशन का, तो राइटली वो फिर तो उन्होंने कहा जी आपके नाम पे ही होना चाहिए। अच्छा दिलावर साहब, हम अभी एक चल के छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं इस हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ठीक है, यू नो, आपने उसकी फंडिंग की, लेकिन क्या हमारा ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियाँ हैं
वो सपोर्ट करती भी हैं टेनिस जैसे खेलों को, लेकिन उसको कोई रेगुलराइज किया जा सके ताकि हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से हम वापस आते हैं, तो इस हवाले से आप अपना इजहार ख्याल कीजिएगा। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। फॉर्मर सेनेटर सैयद दिलावर अब्बास साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पैट्रन हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के, और कह रहे हैं 35 साल से रोज़ाना टेनिस खेलते हैं और ये एक नशे से कम नहीं, लेकिन ये महंगा नशा है। तो उस हवाले से हम अभी बात को आगे बढ़ाते हैं दिलावर साहब, कि ये जो हमारी कॉर्पोरेट कंपनियाँ हैं, फिर उन पर एक जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के खेलों को राइज करने में मदद फराहम करें। ऐसे में आप हॉकी, फुटबॉल और टेनिस क्या समझते हैं कि, जैसे फुटबॉल तो इतनी महंगी खेल नहीं है, हॉकी भी इतनी महंगी खेल नहीं है, उनको तो प्रमोट किया जा सकता है, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? देखें जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो फुटबॉल है ये कोई इतनी महंगी गेम नहीं है, और फिर देखें कि दुनिया के जो वर्ल्ड कप फुटबॉल का, वो पाकिस्तान मेड फुटबॉल से खेला जाता है। इससे बड़ी और क्या मतलब ऑनर होगी कि हमारा मैन्युफैक्चर्ड एक स्पोर्ट्स जो गेम का हिस्सा है और वो बॉल है, बिल्कुल वो दुनिया में। इसी तरह हॉकी का भी है, हॉकी भी बेस्ट बनती है पाकिस्तान में। अच्छा, एक ज़माने में क्रिकेट बैट भी बहुत बनते थे पाकिस्तान में जी, और जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो मुझे पता है कि वो बैट जब खरीद के लाते थे फिर उसको अलसी का तेल लगाया जाता था। लगाया जाता था, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्पोर्ट्स की, मैं तो समझता हूँ कि अगर एजुकेशन के साथ साथ, नॉट के एजुकेशन को छोड़ के, स्पोर्ट्स को पेटर्नाइज करना यूथ बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देख लें कि अच्छे स्पोर्ट्समैन जो हैं वो नॉट ओनली के वो अपना नाम दुनिया में पैदा करते हैं, मुल्क के लिए पैदा करते हैं, एंड दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ द नॉलेज, फिजिकल एक्टिविटी अमंगस्ट द चिल्ड्रन, अमंगस्ट द यूथ। वो बहुत ज़रूरी है हमारी जो नेशन बिल्डिंग है इसके अंदर। मैं तो बिल्कुल स्ट्रेस करता हूँ कि स्पोर्ट्स हैज टू बी स्पोर्ट्स, दे मस्ट बी इनकरेज्ड, पेटर्नाइज्ड। अब बाहर की दुनिया में गवर्नमेंट जो हैं वो, मैं से आईटीएफ में बात कर रहा था, बिकॉज मैं हर साल जाता हूँ विंबलडन के लिए, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि दे कीप अ रिकॉर्ड, अमेरिकन टेनिस फेडरेशन जो है वो $40 मिलियन देती है स्पोर्ट्स प्रमोशन टेनिस के लिए, टेनिस के लिए फेडरेशन खुद देती है, मतलब ठीक है, खेल की तरवीज के लिए। हाँ, तो अब ये देखें, इसी तरह यूरोप में है, जो सारे खेल पैसे किए दिलावर साहब, इसका स्पोर्ट्स मतलब आप सेल्फ जनरेशन जो है वो तब भी होती है स्पोर्ट्स में, जब आप देखें ना ये जो बड़े इवेंट हैं जिनको ग्रैंड स्लैम्स कहते हैं, ये जिन मुल्कों के पास हैं, मतलब और उनकी एडवर्टाइजर के जो आप लिस्ट देखें, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी महंगी घड़ियां जो है उनके जो ब्रांड्स हैं वो इनको प्रमोट करते हैं, और वो वही प्रमोशन जो है वही गेम को ऊपर लेके जा रही है। अच्छा दिलावर साहब, ये बताइए, आपने विंबलडन का जिक्र किया, विंबलडन मेरा ख्याल हम शायद एक या एक दो में से एक जो हमारा बड़ा ग्रैंड स्लैम इवेंट रह गया जो कि नेचुरल ग्रास पे खेला जाता है। जी हाँ जी। क्यों हम स्विच करते गए टर्फ्स पे और आर्टिफिशियल ग्रास और आर्टिफिशियल ग्राउंड पे? ग्रास की मेंटेनेंस मुश्किल है। अच्छा, यू नीड वाटर, एंड देन आपने 8 कोर्ट्स है ना जी,
तो आप डेली अगर 4 कोट्स जो करते हैं तो 4 को रेस्ट देना होता है ताकि ग्रास जो है वो अपने आप को अंदर स्ट्रेंथ भी पैदा करे, पानी लगता है उसको, माली रखे जाते हैं, गार्डनर जो मेंटेन करते हैं, ग्रास की मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा है। क्ले कोर्ट्स में मेंटेनेंस इज मच लेस है। हार्ड कोर्ट्स पे एक दफ़ा आपने ये पेंट करवा दिया तो बस चलेगा, बस फिर वो चले गए, वो उसकी लाइफ 5 से 10 साल है। अच्छा, पेंट की ठीक, लेकिन लेकिन इसका मतलब जो खेलने वाला है उसकी लेग की मूवमेंट और पाँव की मूवमेंट, अब वो ग्रास पे, अब वो विमिल्डन खेल रहा है एक प्लेयर और अगले महीने वो पेंट कोर्ट पे खेल रहा है या हार्ड कोर्ट पे खेल रहा है, तो वो तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, मुश्किल नहीं होता। ये जितने बड़े प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग फेडरा, ये सिर्फ एक ग्रास पे आता है इनका, विमिल्डन। विमिल्डन है सर, ओके। बाकी सारे जो हैं वो सरफेस है, आर्टिफिशियल सरफेस, आर्टिफिशियल सरफेस जी, उस, तो सिर्फ उसके ऊपर उनको अपने आप को मैनेज करना, एडजस्ट करना पड़ता है। और वो हर बड़ा प्लेयर जो है वो पहले आके एक्लेमेटाइज करता है, ओके, 8-10 दिन पहले आके वो डेली ग्रास पे खेलेगा ताकि उसका पांव जो है वो घास पे जम सके। जी लवर साहब हमारे साथ मौजूद है, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, रही मेरे साथ। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर सेनेटर सैयद दिलावर अब्बास साहब, जो कि पेट्रन है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के। आज हम पाकिस्तान के अंदर टेनिस के चैलेंजेस और उसके मसाइल और उसके शौक के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे जैसे जो टेनिस के शौकीन हैं दिलावर साहब, वो तो बस टीवी पे बैठ के हम आंद्रे अगासी और जॉन मैकेंड्रो और बोरिस बेकर और अब फेडरर को देखते और उनको फॉलो करते हैं। जॉन मैकेंड्रो की एग्रेशन और उसका कोर्ट के ऊपर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना और वो बड़ा बड़ा वो फॉलो किया जाता था इन चीज़ों को। आप व्हेन यू लुक बैक, अभी 4-5 नाम जो मैंने लिए, हु हैज बीन योर ऑल टाइम फेवरेट? मुश्किल सवाल। फेडरर सीरियसली जी, क्या वजह? मतलब मैकेंड्रो का अपना एक पूरा सीन था वो अपनी जगह। आप देखें कि फेडरर की पर्सनालिटी में हाउ कूल काम एंड जब जहाँ तक गेम का तलक है ना, मैं क्योंकि खुद भी खेलता हूँ, फेडरर कहीं से भी शॉट बना सकता है। अच्छा, कहीं से भी, फोर हैंड बैक हैंड तो है ही है ना, वो तो वो यहाँ से भी बैक हैंड की शॉट बना लेता है। टाइट से टाइट कॉर्नर में बॉडी के ही विल प्ले अ शॉट। तो टेक्निकली आप समझते हैं कि फेडरर, बोरिस बेकर, आंद्रे अगासी, जॉन मैकेंड्रो, इन सब इससे सुपीरियर है। सुपीरियर है। आप ये भी देखें कि फेडरर की मूवमेंट कैसी है। ही वेरी स्विफ्ट एंड स्मूथ। बहुत एफर्टलेस। एफर्टलेस, ये बहुत बड़ी बात। वो बैक हैंड भी यहाँ से भी मारेगा, यहाँ से भी मारेगा, ये भी मारेगा, तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ है बैक एंड की, फोर एंड तो उसका है ही बहुत। अच्छा, गुस्सा कैसे नहीं आता उसको? इट्स वेरी ये काम। और इस खेल के अंदर गुस्सा आ जाता है। आ जाता है। ये गुस्सा, गुस्से का क्यों लिंक है? मतलब आप फ्रस्ट्रेशन होती है, क्या होता है? इमोशंस। इमोशंस, आप अपने इमोशंस को जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपको गुस्सा ही आएगा। वो उसका दूसरा नाम गुस्सा है। yes. तो गुस्सा आपको अपने पे भी आता है और सामने ओपोनेंट की जो शॉट आपको बीट करती है और आप उसको पकड़ नहीं सकते, उस पर आपको गुस्सा भी आता है। एग्जैक्टली। अच्छा दिलावर साहब, ये बताइए कि ठीक है, हमने बात की कि बहुत पैसे वाली गेम है, इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा, और इंटरनेशनली भी हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर ही सपोर्ट करता है टेनिस को, फेडरेशंस को, लेकिन क्या हुकूमती सतह पे कोई एक दो मशवरे विच यू थिंक के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या सूबाई हुकूमतों को इस तरह के खेलों की तरवीज के लिए कोई नो कॉस्ट या लो कॉस्ट सोल्यूशन है आपके पास? मुश्किल मुश्किल है, लो कॉस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकते।
صرف یہ ہے کہ آپ پبلک پارکس میں آپ ٹینس کے نیٹ لگا دیں. ٹھیک ہے, پبلک پارکس میں ٹینس کے نیٹ لگا دیں اور پرانے گیند پرووائڈ کر دیں, کلب سے لیں, پرانے باکسز ملیں گے. لائک اسلام آباد کلب کے پاس ہم روز کھیلتے ہیں, ہم ہر روز نئے بال نکلتے ہیں. تو وہ پرانے بال جو ہیں وہ پبلک پارکس میں بچوں کے کھیلنے کے لیے دے دیں, اور وہیں پہ ہی کسی کی ذمہ داری لگا دیں. اور سستے ریکٹس, یوزڈ سستے ریکٹس بھی آپ دے سکتے ہیں, بٹ یہ جو بالز ہیں یوزڈ یہ تو عام مل جائیں گے. تو میرے جیسے بچے تو بال لے کے گھر چلے جائیں گے, صبح لے کے نہیں آئے. نہیں, وہ پرانے ہیں تو لے بھی جائیں, ایک دن لے جائیں گے, دو دن لے جائیں گے, تین دن لے جائیں گے, پھر وہیں لا کے کھیلیں گے. کھیلیں گے اگر انہوں نے کرکٹ نہیں کھیلنی ٹینس بال کے ساتھ, اور ٹینس ہی کھیلنی ہے تو پھر وہ وہیں آ کے کھیلیں گے. یہ تو وہ معاشرہ ہے, یہ وہ ملک ہے, ایون انڈیا, پاکستان, ایون بنگلہ دیش, کہ جہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں اور ٹینس بال کہتے ہیں, ٹینس بال ہی, ٹینس بال پہ ٹیپ چڑھا کے ہم کرکٹ کھیلیں گے. سو مطلب اس کو کرکٹ فیور اتنا زیادہ ہے. بالکل, یعنی پھر آپ کا مشورہ یہ بہت اچھا ہے کہ پبلک پارکس کے اندر ایک کونا مختص کر دیا جائے, اور اس میں نیٹ لگا کے میونسپیلٹی دے دے تاکہ بچے آ کے اپنا شوق جو ہے اس کو پورا کریں. اور دیٹ از دا وے ٹو انکریج دا اسپورٹ, اینڈ دیٹ از دا وے ٹو بلڈ اپ اے اسپورٹ. آپ ایک اسپورٹ کو گورنمنٹ یا باڈیز کا کام ہے اس کو پروموٹ کرنا اور اس کو ڈیولپ کرنا. یہ نہیں ہے کہ جی بس آپ بن گئے ہیں یا گورنمنٹ نے کہ جی یہی فیسلٹی ہے اسی کو چلانا ہے, اس کو پروموٹ کرنا وہ بھی اصل میں کام ہے. اسلام آباد میں ہم جب ٹورنامنٹ, میں فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں, تو جب ٹورنامنٹ کراتے تھے تو اسلام آباد کلب ہم سے ایک ٹورنامنٹ کے لیے 8 کورٹ دینے کے لیے 2 لاکھ روپیہ لیتی تھی اسلام آباد کلب. ٹھیک, کیونکہ اپنے تو کورٹ نہیں تھے فیڈریشن کے. اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ کمپلیکس بنوایا کہ ہمیں یہ پیسے فیڈریشن کو نہ دینے پڑے. تو آئی ریز 5 کروڑ, اور یہ 11 کورٹس ہیں, 11 کورٹس ہیں اس کمپلیکس میں, سٹنگ اسٹیڈیم ہے. اور آئی ایم ویری ہیپی جب میں جاتا ہوں اب آپ کے پاس. ڈریم کم ٹرو ہوا, آپ نے خواب دیکھا تھا اس کا. دلاور صاحب تھینک یو ویری مچ, انفارچونیٹلی وی آر شارٹ آن ٹائم, لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے اور ٹینس میں میرا اپنا جو شوق ہے اس کی وجہ سے بھی بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے سید دلاور عباس صاحب جو کہ فارمر سینیٹر ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ٹینس فیڈریشن کے, ان کے ساتھ ہماری یہ ٹینس کے حوالے سے خصوصی نشست کو ایکسپیرئنس کیا. جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.